नीरज जी, मैं आप पेशे से क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर में केमिस्ट। केमिस्ट है। अच्छा, क्या परेशानी थी आपको? मेरी स्पिरिटल ग्लैंड में स्वेलिंग के कारण मतलब कैंसर ही था इस गले में, इसके अच्छा, ये कारण एक। चिकित्सा, ये जो पंचगव्य चिकित्सा है, हाँ ये जी, आप ये कितने दिन से ले रहे हैं? 3 महीने हो गए सर। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम बढ़िया हो गया, आप अच्छा हो गया, बिल्कुल कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं आ रही। पहले से 90% क्लियर हो गया समझो। अच्छा, आप खुद जो है वो एलोपैथी से जुड़े हुए हाँ हैं, जी, एलोपैथी वालों ने क्या बताया था? एलोपैथिक वालों ने तो मैं ट्रीटमेंट दे दिया था उन्होंने भी, हाँ, लेकिन मैं किस चीज़ से लेने से आराम आ गया। कोई अच्छा साइड इफेक्ट नहीं है, हर तरह से ठीक है। खाने पीने पहले दिक्कत रहती थी, अब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद। बिल्कुल नॉर्मल हो गया सर। आपको क्या परेशानी थी मैडम? हस्बैंड के वो गांठ हो गई थी कैंसर हाँ की, तो बहुत परेशानी होती थी। ऑपरेशन भी हो गया, रेडिएशन भी हुई, फिर पंचगव्य से हमने दवाई ली, 3 महीने हो गए, अच्छा अब बहुत आराम है, कोई अच्छा परेशानी नहीं है। मैडम, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में, इनके बारे में? देखो, पंचगव्य चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो एक आयुर्वेदिक क्षेत्र है, प्राचीन ऋषि मुनियों की पद्धति है। जी जो गौ माँ के 5 गव्य हैं उनसे ये चिकित्सा हम लोग करते हैं। जी और सबसे मुख्य बात जो इस चिकित्सा की रही है कि फायदा तो हर एक रोग में होता ही होता है, कोई जी सा भी रोग क्यों ना हो जाए, जी लेकिन मुख्य रूप से इसमें है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस दवाई का। ठीक है। हाँ, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति ने यदि एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया भी है और एलोपैथिक ट्रीटमेंट के कारण उसकी बॉडी पर कुछ साइड इफेक्ट आ भी गए, जी तो गौमूत्र की बनी हुई दवाई अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसके शरीर के वो सारे साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने जो अभी बताया कि ये जो कैंसर की कैंसर गांठ हो में, गई, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कैंसर के लिए हम गौमूत्र का उपयोग करते हैं और गौमूत्र के साथ सर्पगंधा और कचनार, दो वनस्पतियों का मिश्रण करते हैं, अच्छा और उन दोनों ही वनस्पतियों के मिश्रण से जो दवा तैयार होती है गौमूत्र अर्क, वो 100% शरीर के किसी भी पार्ट में चाहे गांठ क्यों ना हो उस गांठ को वो गलाकर धीरे धीरे करके पूर्णतः ठीक कर देते जैसे इनके हुआ है। हैं। हाँ, जैसे इनको 3 महीने में पूर्णतः आराम आ चुका है, जी तो जी ऐसे काफी लोगों अभी को दवाई आराम बंद आ कर चुका दी? है। हाँ, अभी इनकी दवा बिल्कुल इस महीने से बंद कर रहे हैं, केवल एक सामान्य तुलसी अर्क इनका शुरू रखा है, सुबह वो 2 ढक्कन लेते रहे। वो तो एक सामान्य व्यक्ति भी ले सकता है, अब ये किसी भी तरीके से कोई बीमार नहीं है, अब तो ये पेशेंट नहीं कह सकते इनको, तो साधारण जीवन जी रहे हैं। जी, ये है पंचगव्य चिकित्सा शिविर का हमारा फायदा, और आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके हर महीने लगने वाले संत उदयदास कन्हैया गौशाला में इस चिकित्सा शिविर का लाभ लें, और कैसी भी बीमारी है आपके, एक बार आके परामर्श अवश्य लें। इस बारे में मैं, एक और मरीज है हमारे जिनकी उम्र भी 75 साल से ऊपर है, दीनदयाल जी भाटिया साहब, आपको क्या परेशानी है? मेरे को किडनी प्रॉब्लम थी जिसके कारण पाँव में स्वेलिंग रहती थी। पाँव खोलना। अब तो बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। अब कितने महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? 3 महीने से ले रहा हूँ। अच्छा, और अब काफ़ी ठीक है, स्वेलिंग है नहीं बिल्कुल ही, अच्छा, और दमे की शिकायत भी थी वो भी काफ़ी कंट्रोल है। अच्छा, केवल पंचगव्य चिकित्सा के साथ में और कुछ कुछ लेते हैं? नहीं, और कुछ नहीं, कहाँ से कभी चिकित्सा से ही सारा आराम मिला है। अच्छा, आपके स्वास्थ्य का राज यही है। अभी जो 3 महीने से ले रहा हूँ जी।